राम जी, राधे की रसोई में थारा स्वागत है। आज मैं मूंगफली और गुड़ से बनाऊंगी सर्दी का मौसम में खाने वाली टाइम पास चक्की। जो ये टाइम पास बनाने के लिए सर्दी का मौसम में कुछ ना कुछ चाहे हल्को फुल्को खाने के लिए, और मूंगफली ही जो गर्माहट दे है शरीर ने, गुड़ गर्माहट दे है तो बहुत बढ़िया रहे हैं। मैं एक कटोरी भर के ली हूँ अठे मूंगफली का दाना मोटा वाला, और एक कटोरी ही गुड़ है। साथ में दो तीन चीज और है, जैसे किशमिश है, पिस्ता है, दो चार बादाम की टुकड़ी है, काजू की टुकड़ी है, और नारियल कद्दूकस करड़ो है। तो सबसे पहले मैं ये जो बादाम है इन्हें सेकूंगी, चिनिया बादाम जी ने बोलना है, इन्हें मैं सेक रही हूँ। मूँगफली का दाना ना, मूँगफली का दाना पूरा चटकवा लाग गया है, चट चट की आवाज आके और फटने लाग गया है, तो समझ लो कि सीख का तैयार होने वाला है। और 1-1.5 मिनट में इन्हें सेकूंगी, तैयार है एकदम। सब कपड़ा पे डालनी हूँ इस तरीका से, और ये कपड़ा में डाल के इन्हें चारों तरफ से पकड़ लेना और हाथ से मसल देना। छिलका सब उतर के तैयार हो जाएगा, क्योंकि गर्म है ना तो छिलका उतारने में थोड़ी दिक्कत हो। इस तरीका से देखो सब छिलका उतरने लगा। चढ़ाई हूँ एक अंदर गुड़ डाल दियो है। गुड़ डालने के बाद 2-3 छोटी चम्मच पानी की डाली हूँ, और इन्हें पाक बनाना है बढ़िया सा। पाक बन रहा है तब तक मैं उरे घी लगा के रेडी कर दूँ थाली ने, नहीं तो चिपकने को डर रहा हूँ। तो हल्को सो घी लगा देना है इके, और साथ में मैं दूसरी थाली के भी लगा रही हूँ। इसे मैं तुरंत दबा दूँगी, क्योंकि गर्म रहा है तो हाथ से दबाने में चिपकने को डर रहा है। गुड़ लगा चुकी हूँ, चम्मच के अंदर घी की डाल देनी है, और अब चेक करूं कि तीखा बन के तैयार हुई है कि नहीं। तो एक कटोरी में मैं पानी ली हूँ, देखो पानी के साथ गुलडी है, अभी बन के तैयार नहीं हुई है, और थोड़ी सी देर और लगेगी, चिप चिप 1 से 1.5 मिनट और पकेगी। बुलबुला उठने लगे हैं, अब फिर से चेक कर रही हूँ मैं बन के तैयार हुई है कि नहीं। इस तरीका से एकदम बढ़िया से बन के तैयार होगी है, देखो कितनी बढ़िया से बनी है ये देखो। जब इस तरीका से तार छूटने लग जाए तो समझ लो बन के एकदम परफेक्ट तैयार। क्योंकि जब अभी के अंदर डाल दी हूँ मैं मूँगफली, सब इस तरीका से पूरी डाल देनी है, पूरी डाल के चलानी है। और अठेई में थोड़ी सी किशमिश डाल रही हूँ, थोड़ी बादाम डाल रही हूँ, और थोड़ी पिस्ता डाल रही हूँ, और थोड़ो नारियल और काजू की टुकड़ी, सब थोड़ा थोड़ा मैं इनके अंदर डाल दी हूँ, और इन्हें पूरा मिक्स कर लेना है इस तरीका से। अब थोड़ो नारियल को बुरादो में के ऊपर डालूंगी, बुरादो नहीं है वो कद्दूकस करोड़ो है, और कद्दूकस करने से स्वाद अच्छो आओ है। बारीक वाले दांत जो दंती हैं उनसे मैं इन्हें करी हूँ। अब इको ऊपर मैं जो ये तैयार करी हूँ बादाम मूंगफली ये सब मैं इस पर रख रही हूँ। अब ये जो बचौड़ी है थोड़ी थोड़ी सी ये ऊपर सुंदरता के लिए और लगा दे रही हूँ, और बहुत बढ़िया से तैयार हो रही है। अब दूसरी थाली से थे इस तरीका से भी दबा सकूँ हूँ, इस तरीका से पूरा बढ़िया से दबा सकूँ मैं। थोड़ी ठंडी हुई है तो मैं इन्हें पीस कटिंग करूं, थोड़ा टाइट कटे हैं ये सब, बड़ा बड़ा पीस मैं बनाकर तैयार करती हूँ। मैं पीस पीस करके तैयार कर ली हूँ, बढ़िया से बनी, तोड़ के भी दिखा दूँ थाने, खस्ता है एकदम पूरा बढ़िया से, मतलब खा सके है हर आदमी इन्हें, दांत के ना चिपकेंगी और ना चिपचिपाट होगा।